नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। क्या महाराष्ट्र की तीन पार्टियों की महाविकास आघाड़ी एनसीपी नेता अजीत पवार और शिवसेना नेता संजय राउत के झगड़े की वजह से बिखर जाएगी, टूट जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में इन दोनों नेताओं के बीच एक जुबानी जंग शुरू हुई है। ये पूरा मामला शुरू हुआ बीते रविवार को, जब शिवसेना के नेता और सामना अखबार के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने अपना साप्ताहिक कॉलम रोकथोक लिखा। उस कॉलम में राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हवाले से लिखा कि केंद्र की बीजेपी सरकार एनसीपी नेताओं पर दबाव डाल रही है और उनको आपराधिक मामलों में फंसाकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। राउत के इस कॉलम पर महाराष्ट्र के सियासी हलकों में बवाल मच गया और उनके इस कॉलम को पढ़ने के बाद एनसीपी नेता अजीत पवार भड़क गए और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर संजय राउत पर निशाना साधा और ये कहा कि वे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं और उन्हीं के बारे में वे बोला करें। वे एनसीपी के प्रवक्ता नहीं हैं और एनसीपी के पास खुद अपने प्रवक्ता हैं जो कि एनसीपी की बात लोगों के सामने रख सकते हैं। संजय राउत को एनसीपी की वकालत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजीत पवार ने संजय राउत को नसीहत दी कि आप अपने मुखपत्र में लिख रहे हैं तो अपनी पार्टी के बारे में लिखिए, हमारी ओर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी बात रखने में सक्षम हैं। अजीत पवार ने ये भी कहा कि इस पूरे मामले को वो अपनी पार्टी की बैठक में उठाएंगे। इसके बाद संजय राउत ने भी अजीत पवार पर पलटवार किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैंने सामना में सच्चाई लिखी तो अजीत पवार को चुप क्यों रहा है, मैं लिखता रहूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मेरे सामना में लिखने के चलते ही एनसीपी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। आज एनसीपी के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव है और बीजेपी इसी दबाव के चलते एनसीपी को तोड़ने में जुटी है। जब शिवसेना टूटी थी तब अजीत पवार और उनकी पार्टी ने भी खूब वकालत की थी, अब जब मैं कर रहा हूं तो अजीत पवार को बुरा क्यों लग रहा है? मैं एमवीए का चौकीदार हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें शामिल सभी पार्टियां एक साथ रहें। अजीत पवार मेरी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, सिर्फ शरद पवार कर सकते हैं। मैं हमेशा लिखता रहूंगा और अगर इससे किसी को चुभन होती है तो मैं क्या करूं। तो देखा आपने एक ही गठबंधन के दो बड़े नेताओं के बीच किस तरह का जुबानी युद्ध चल रहा है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार तीन पार्टियों के गठबंधन से बनी साल 2019 में, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। करीब 2.5 साल तक ये सरकार चली और इन तीनों ही पार्टियों के नेता ये बयान देते रहे कि आने वाले सभी चुनाव भी इसी गठबंधन के साथ लड़े जाएंगे, चाहे वो मुंबई महानगर पालिका समेत तमाम स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों। लेकिन जिस तरह की कटुता इनके बीच फिलहाल नजर आ रही है उससे इस गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये मामला इसलिए भी काफ़ी संवेदनशील हो गया क्योंकि संजय राउत का कॉलम और उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा चल रही है कि अजीत पवार एनसीपी को छोड़कर अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी से जुड़ने की फिराक में हैं। फिर से एक बार वो एनसीपी को छोड़ सकते हैं जैसा साल 2019 में उन्होंने किया था। संजय राउत और अजीत पवार के बीच तो ये झगड़ा हुआ ही, लेकिन इसके अलावा महाविकास आघाड़ी का एक दूसरा घटक दल कांग्रेस का भी झगड़ा हुआ शिवसेना ठाकरे गुट के साथ में, और ये झगड़ा था सावरकर को लेकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार सावरकर के खिलाफ बयान दे रहे थे जिससे शिवसेना ठाकरे गुट नाराज हो गया। इसके बाद शरद पवार को बीच बचाव करना पड़ा और शरद पवार ने दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि उन्हें सावरकर पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जिस तरह से इन तीनों घटक दलों के बीच मनमुटाव सामने आ रहा है उसको लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत में सस्पेंस खड़ा हो गया है कि क्या महाविकास आघाड़ी आगे अपना अस्तित्व बरकरार रख पाएगी और क्या
महाविकास आघाड़ी, जैसा कि पहले ऐलान किया गया है, आगे के सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ पाएगी।